सो मेरा एक सब्सक्राइबर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो कि है उसका माइक नहीं वर्क कर रहा। एंड मेरे को याद है जब मैं पहले वेलो खेलता था मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही एरर आया था कि मैं मतलब वी भी दबाता था वर्क नहीं करता था। मैंने सारी सेटिंग देखी पर फर्क नहीं किया, बट उसके बाद मुझे एक सेटिंग मिली जिससे ये फाइनली ठीक हुआ। तो मैं यहाँ पर तुम्हें वो तो बताऊंगा ही बट उसके साथ साथ ऑल पॉसिबल वेज बताऊंगा जिससे तुम इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल तीन टाइप के हैं, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल, थर्ड वेलो का इन गेम। तो पहले हम बढ़ते वेलो के इन गेम के, क्योंकि क्या पता तुम्हारा हर चीज ठीक हो बट वेलो को बस सेटिंग में ही प्रॉब्लम हो। सो इसलिए चलो बढ़ते हैं पहले वेलो की तरफ। सो वेलो में तुम जाओ पहले सेटिंग में, देन सेटिंग में यहाँ पर तुम्हें ऑडियो दिखेगा, यहाँ पर जाना वॉइस चैट पे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ना, लोग इस चीज़ को ऑफ रखते हैं, टीम वॉइस चैट इसको लोग ऑफ रखते हैं, तो यही आई थिंक मेन तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ऑन कर लेना, वंस यू ऑन दैट बाकी इन तीनों को भी ऑन कर लो। एंड देन यहाँ पर देखो क्या होता है, तुम्हारा या तो माइक का वॉल्यूम ही एकदम कम होगा, एंड ये तो आई थिंक नहीं होगा, तो तुमने देख ही लिया होगा। उसके बाद क्या दिक्कत है, तुम्हारा जो इनपुट डिवाइस है ना, देखो दो चीज़ होती है, आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट मतलब कि तुम्हारे जो हेडफोन्स या फिर स्पीकर का आवाज़ है वो, एंड इनपुट इज माइक वॉल्यूम। तो यहाँ पर तुम अपने इनपुट में देखो कितने सारे ऑप्शंस है, तुम्हारे आई थिंक एक या दो होंगे। सो तुम्हें जो भी लगता है, लाइक यहाँ पर देखो दो माइक्रोफोन है, एक मेरा ये वाला वर्क करता है, मेरा ये वाला वर्क नहीं करता, तो मे बी तुम्हारे ये वाला एनेबल हो या फिर तुम्हारे डिफॉल्ट पे हो। कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा जो वैल्यू है ना ये डिफॉल्ट को एज अ ये वाला माइक समझता है, बट मेरा तो ये वाला माइक वर्क ही नहीं करता, तो इसलिए मेरे को डिफॉल्ट पे ये नहीं, मुझे सिंपली ये क्लिक करना है। एंड इससे आई थिंक तुम्हारा वैल्यू तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बट अगर इन सब के बाद भी तुम्हारा नहीं चलता तो अब हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल की तरफ। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सो एक्सटर्नल में ये जो मेरा सीपीयू दिख रहा है, इसमें देखो क्या तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ज़रा फ्लैश ऑन कर दूँ। हाँ देखो, यहाँ पर जो मेरे दो वायर्स है ना, एक है मेरा माइक का, पीछे वाला है मेरा स्पीकर का। सो क्या होता है कि मान लो तुम्हारा इस ये जो वायर है, ये जो माइक वाला है, तुमने इसको पीछे लगा दियो एंड इस वाले को आगे लगा दियो, तो ऐसे आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ इसको फिक्स करने के कुछ नहीं, खाली इनको निकालो एंड देन इनको इंटरसेज कर लो एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट वॉट इफ कि तुम्हारा ये वाला सही लगा हुआ है बट देन इसके अंदर का चीज़ ख़राब हो, तो इसको तुम क्या करना है, इसको निकाल के जो तुम्हारा सीपीयू का पीछे वाला हिस्सा है ना, जो यहाँ पर लगता है, यहाँ पर देखो पीछे बहुत सारे वायर्स हैं, उनमें डाल के देखो। क्योंकि क्या होता है कि जो तुम सस्ते वाले कैबिनेट लेते हो उसमें ऊपर का पोर्ट यूजुअली खराब ही मिलता है तुम्हें, तो या फिर कुछ देर बाद जरूर खराब हो जाता है। सो इसलिए बस क्या करना कि पीछे वाले में लगा देना। अब हम बढ़ते अपनी लास्ट सेटिंग की तरफ जो कि है इंटरनल सेटिंग्स। अब इसमें काफी सारी सेटिंग है, सो लेट्स गो। सो बात करते हैं पहले अपनी सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पर जाओ, देन तुम जाओ नीचे एंड यहाँ पर क्लिक करना मोर साउंड सेटिंग। तो यहाँ पर जाके जो विंडोज 10 वाला होता है ना डिस्प्ले, वैसा ही टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली चीज़ क्या होती है, अगर तुम रिकॉर्डिंग में जाते हो उससे पहले, मान लो अगर तुम्हारे स्पीकर के अंदर ही एक इनबिल्ट माइक्रोफोन है, लाइक जो हेडफोन्स होते हैं उसमें माइक्रोफोन होता है, तो वहाँ पर जाओ प्रॉपर्टीज़। ये जो स्पीकर है ना ये बेसिकली मेरा वही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लेवल्स में जाकर, यहाँ पर देखो यूजुअली क्या होता है, ये मान लो ऐसे ऑफ भी हो सकता है और तुम्हारा क्या पता ये जीरो भी हो सकता है, तो पहले इसको तो ठीक कर लेना देन इसको ऑन कर देना। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा अलग से माइक है या फिर ब्लर ठीक हो जाए, हाँ, या फिर मान लो तुम्हारा सिंपली वर्क नहीं कर रहा, तो क्या करो रिकॉर्डिंग में जाओ। अब यहाँ पर ना क्या सीन है, ये जो मेरा माइक्रोफोन एक्चुअली लिखा हुआ ना, ये मेरा वर्किंग माइक्रोफोन नहीं है, ये मेरा कोई पुराना हेडफोन का माइक्रोफोन है जो कि वर्क भी नहीं करता, एंड मेरा असली वाला तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा। तो जो तुम्हारा छुपा हुआ माइक्रोफोन है ना उसको निकालने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करो देन शो डिसेबल डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ छुपा हुआ था, देखो माइक्रोफोन, अभी इसको कर दो एनेबल, देन अभी भी वर्क नहीं करने वाला क्योंकि ये डिफॉल्ट पे सेटिंग में ऑन ही नहीं है। तो डिफॉल्ट करने के लिए राइट क्लिक, then set as default and then again right click set as default communication device. Now ये microphone work करना चाहिए। And एक और चीज तुम sure कर लेना, like properties में जाके levels यहाँ पर देखो, इसको भी make sure कर लो कि ये भी like तुम्हारा full पे हो and ये भी on हो। So ये दो चीज मिलके I think तुम्हारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। अब पता है मैंने भी ये सारी चीज़ कर रखी थी एक्चुअली पहले से ही, बट उसके बाद में मेरा माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैं तुम्हें फाइनल एंड मेन सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि मैंने किया था एंड वर्क कर गया। सो उसके लिए तुम जाओ विंडोज पे, देन सेटिंग्स। अब यहाँ पर देखो, इधर जाना, यहाँ पर लिखा होगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लिक ऑन दैट। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे नीचे जाओ, देखो माइक्रोफोन दिखा तुम्हें, क्लिक ऑन दैट। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या ना माइक्रोफोन एक्सेस वाला आई थिंक ऑफ होगा, यही लाइक मेन इशू हो सकता है। एंड इसमें भी मे बी तुम्हारा इस चीज़ को तो मैं तो रिकमेंड कर ही रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को तुम ऑन कर लेना, यही एक मेन चीज़ होती है कि जिससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम कभी एक ऐसी गाइड देखे होगे जिसमें तुम्हें FS बूस्ट करना होगा एंड उसमें वो लोग ऐसी सेटिंग बता देते हैं कि उसमें तुम्हें बोलेगा कि बैकग्राउंड की जो भी चीज़ें वो तुम्हें ऑफ करवा देगा एंड उसको ऑफ करने से तुम्हारा इवन माइक्रोफोन भी ऑफ पड़ जाता है। सो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए तुम्हें इस चीज़ को ज़रूर ऑन कर लेना है। ये जो दिख रहा है लेट डेस्कटॉप एप्स एक्सेस योर माइक्रोफोन, इसको ऑन ऑफ कर लो या फिर जो भी है ऑफ है तो ऑन कर लो एंड इससे फाइनली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर देना एंड टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।